नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे Huawei Kirin 990 द बेस्ट प्रोसेसर इन द वर्ल्ड के बारे में। वैसे ये प्रोसेसर क्यों सबसे बेहतर है आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा और बताऊंगा कि ये एप्पल A12X स्नैपड्रैगन 855 प्लस एक्सिनोस 9825 से भी ज्यादा बेहतर है। तो चलिए शुरू किया आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो हर रोज देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस प्रोसेसर के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं आज के जमाने में 5G एक मेन चीज है। कुछ महीने पहले लगभग सारे कंपनी अपने अलग अलग 5G मॉडेम मार्केट में ला चुका है। तो सैमसंग का जो 9825 है इसमें भी 5G मॉडेम है, लेकिन प्रोसेसर का एक जगह लेता है और 5G मॉडेम प्रोसेसर से अलग लगता है। मतलब दोनों चिप के लिए अलग अलग जगह लगता है, बिल्कुल सेम स्नैपड्रैगन 855 में भी है। लेकिन Huawei 990 ये दुनिया का पहला प्रोसेसर है जो एक प्रॉपर सिस्टम ऑन चिप प्रोसेसर है। सिस्टम ऑन चिप प्रोसेसर मतलब जो 5G मॉडेम है वो अब CPU से बाहर नहीं, CPU के अंदर ही लगा हुआ है। मतलब एक CPU के अंदर सब कुछ लगा हुआ है। तो इसलिए बाहर जो 5G मॉडेम का जगह रहता था उस जगह पर कोई और इक्विपमेंट लगा सकता। इस मामले में Huawei 990 बहुत ही बेहतर है। तो अब हम इसके दूसरे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, लेकिन इसका जो ऑक्टा कोर ये 2-2-4 ऐसे कोर्स में डिवाइड हुआ है। पहले दो कोर्स ARM A76 एकदम हाई परफॉर्मेंस कोर्स के ऊपर बना है, सेकेंड लो फ्रीक्वेंसी कोर्स वो भी A76 के ऊपर बनाए, लेकिन आखिर के चार कोर्स वो A55 के ऊपर बनाए। मतलब 2-2-4 अलग अलग टास्क के अनुसार अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ये प्रोसेसर काम करेगा। तो अब हम बात करते हैं एक प्रोसेसर के सबसे मेन फीचर, वो है इसका GPU। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे जो बेहतर GPU है वो दो प्रोसेसर में, एक एक्सिनोस का प्रोसेसर, दूसरा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। एक्सिनोस 9825 में जो GPU है वो है माली G76 MP12 GPU। मतलब एक ऐसा GPU है जिसमें एक 12 कोर GPU लगा हुआ है। लेकिन Huawei 990 में ये जो माली G76 GPU है इसमें 12 के जगह 16 कोर्स को दिया गया है। तो अब इस चार्ट में देखिए स्नैपड्रैगन 855 के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो इससे जो परफॉर्मेंस इंक्रीज वो 6% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। तो अब देखिए जब परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है तो जरूर बैटरी भी ज्यादा खर्च होता है, लेकिन Kirin 990 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परफॉर्मेंस इंक्रीज तो हुआ है लेकिन बैटरी कंजम्पशन देखिए इस चार्ट में। स्नैपड्रैगन 855 में अगर 29 है तो यहाँ पर 34.8 है, मतलब 20% बैटरी सेविंग है इसमें। तो इसका मतलब बेहतर GPU इक्वल टू ज्यादा बैटरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगला एक मेन चीज जिसके बारे में जो कंज्यूमर बहुत ज्यादा बात नहीं करते लेकिन वो फ्यूचर में मतलब अगले एक या डेढ़ साल के अंदर बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होगा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी। आजकल के हर एक एकदम हाई एंड स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर है उसमें एक डेडिकेटेड NPU लगा होता है। NPU मतलब न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब एक ऐसा चिप प्रोसेसर के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जो स्पेशली AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क को करेगा। लेकिन Huawei के इस प्रोसेसर के अंदर क्वाड कोर AI स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें जो कोर्स वो चार कोर्स है और इन चार कोर्स में से एक स्पेशल कोर्स है जिसका नाम है टाइनी कोर। वैसे ये जो टाइनी कोर इसका काम आकर क्या है आप इस ग्राफ में देखिए। आप देख सकते हैं एक आसान काम जैसे फेस अनलॉक के लिए, जैसे एप्पल का जो फेस अनलॉक है वो प्रॉपर AI टेक्नोलॉजी को यूज करता है। तो इससे क्या होता है बैटरी कंजम्पशन होता है। नॉर्मल AI कोर्स की मदद से आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके स्मार्टफोन को ओपन किया जाता है तो इससे 359 mAh बैटरी कंजम्पशन होगा। लेकिन वही काम अगर ये टाइनी कोर करता है तो आप देख सकते हैं कि कितना कम इसमें बैटरी इस्तेमाल होता है। तो Huawei का ऐसा कहना है टाइनी कोर्स को इसीलिए इस चिप में दिया गया है जिससे कि ये AI काम भी कर सके और आसान से AI टास्क करके आपके बैटरी को 24 गुना तक सेव कर सके। मैंने आपको तो कहा था कि ये जो CPU है इस CPU के अंदर ही 5G मॉडेम लगा हुआ है। इस ग्राफ में देखिए Exynos 9825 इसमें प्रोसेसर उसके पास मॉडेम लगा हुआ है, इसीलिए इसका जो साइज कंपैरिजन है देखिए वो स्नैपड्रैगन 855 में भी सेम प्रोसेसर उसके पास मॉडेम लगा हुआ है, लेकिन Huawei के चिप के अंदर ही ये 5G मॉडेम लगा हुआ है। जब ऐसे CPU के अंदर 5G मॉडेम होने से इसका फायदा क्या है, इसका फायदा बहुत ही है क्योंकि अगर CPU के बाहर मॉडेम होता है तो जो सिग्नल अंदर आता है इसे आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा ज्यादा पावर यूज होता है क्योंकि ये जो 5G मॉडेम CPU के अंदर ही इसका सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस है इसके स्पीड। Huawei का ऐसा कहना है Huawei का ये जो 5G मॉडेम है ये आपको 2.3 GBPS तक डाउनलोड स्पीड देगा और 1.25 GBPS तक अपलोड स्पीड देगा। और आप देख सकते हैं कि जो दूसरे प्रोसेसर है उसका मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड है 2 GBPS और मैक्सिमम अपलोड स्पीड है बस
316 Mbps। तो आप देख सकते हैं कि 5G मॉडेम सिस्टम के अंदर लगाने से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आप देखिए, मैंने आपको कहा था ना क्योंकि 5G मॉडेम सिस्टम के अंदर है, इसीलिए इसमें आपको बैटरी भी बहुत ज्यादा सेव होगा। देखिए एक्सिनोस के साथ स्नैपड्रैगन और किरिन का डिफरेंस, 5G इस्तेमाल करने से कौन सा प्रोसेसर कितना ज्यादा बैटरी इस्तेमाल कर रहा है। तो आप देख सकते हैं किरिन सबसे कम बैटरी इस्तेमाल कर रहा है। एक किरिन 990 का सिंगल कोर और मल्टीकोर परफॉर्मेंस है। सिंगल कोर में स्नैपड्रैगन 855 से 10% ज्यादा बेहतर है और मल्टीकोर में भी ये बेहतर है। और इस चार्ट में देखिए, इसमें एक प्रॉपर AI डिफरेंस हुआ है। स्नैपड्रैगन 855 बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, लेकिन दुनिया का सबसे बेहतर AI चिप कहा जाता है एप्पल A12 को। एप्पल का ये प्रोसेसर हर एक सेकंड में अगर 5 बिलियन टास्क करता हुआ, तो स्नैपड्रैगन 855 3 बिलियन टास्क करता होगा। इसीलिए एप्पल का जो AI स्कोर है बहुत ही बढ़िया है। इसमें अगर AI परफॉर्मेंस की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन में किरिन, दूसरा पोजीशन में A12, थर्ड पोजीशन में स्नैपड्रैगन 855। बिल्कुल वैसा परफॉर्मेंस ज्यादा है, इसीलिए एफिशिएंसी कितना ज्यादा है, मतलब बैटरी एफिशिएंसी कितना ज्यादा है। देखिए किरिन 990 सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, दूसरे पोजीशन में स्नैपड्रैगन, तीसरे पोजीशन में A12, थर्ड चार्ट में भी बिल्कुल सेम। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि किरिन 990 क्यों अभी वर्ल्ड का सबसे बेहतर प्रोसेसर है, क्योंकि एक सीपीयू का मेन चीज सीपीयू परफॉर्मेंस और बैटरी सेविंग, उसमें अभी किरिन 990 नंबर 1 है। GPU परफॉर्मेंस उसमें भी नंबर 1 है। इंटरनेट डाउनलोड और अपलोड स्पीड उसमें भी नंबर 1 है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना परफॉर्मेंस दे रहा है और कितना बैटरी एफिशिएंट है, उसमें भी किरिन 990 सबसे बेहतर है। तो उम्मीद है आपको एक कंपैरिजन पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपका पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में, वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।